ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿਰਾ ਦਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਚਾਚਾ ਬੁਚਾਲ ਬਣ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਲਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾ ਕਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅਬੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਸੁਣਿਆ ਰੋਣਾ ਆਪਣੇ ਅਬੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੀ ਮਸੂਮੀਅਤ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚਾਚੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਖਿਆ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੱਲਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮਕਰਮਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਤੁਰੀ ਪੂਰੇ ਮੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਸਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਸਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਉਸ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗਿਰਜਾ ਹੈ ਉਸ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਰਜੀਸ ਹੈ आखरी नबी आवेगा ओ सामने दरख्त दे साए थले बैठेगा नौजवान उन्हें 400 साल गुजर गए उन्हें दरख्त दे सामने गिरजा घर बनाया हर वेले अल्लाह की याद कर दाए सुबह भी मकान की छत पे आ जाए शाम भी छत पे आ जाए उस रावल वेख दे जड़ा मक्के तो शाम जा रहा है ते मेरे नबी दी उड़ीक करी जा रहे हैं नाले तो रात पढ़दा नाले इंजील पढ़दा ते रो के कहदा सुनया पता नहीं जिंदगी वफा करे या ना करे सुनया जल्दी आ जाओ तेरिया रामा च बह के उड़ीका पिया करी जाना रोज छत ते खलो जाना है ते रो के आख दे रस्ता उड़ीका ना दिल मरे अपने दा महल चे चढ़ के किस वेले दिल काली पावे ते मैं रोवा अंदर बड़े के सवेरे भी चढ़ जाता कोठे ते ते शाम भी ते उस रावल वेखदा जिधरों सोने आना उम्र मेरे नबी दी अजे 12 साल उन्हों 400 साल हो गए ने मेरे माही दियां उड़ीकां करदे आ नौजवानों इधर मेरे नबी मक्के चो अपने चाचे दे नाल ऊंटी ते बह के तुरे उधर ओ उड़ीक पिया करे उड़ीक किन करता जब मैं पहली बार मदीना तैयबा गया मेरे को दोस्त अलामा ओवैसी साहब मैंने कह लगे आसी साहब आओ मैं तो एक जियारत करा के लिया मैं नाल गया मैंने एक मुकाम से खड़ा करके कह लगे आओ मुकाम है जिथे हिजरत वाली रात खलो के ते नबी पाक दियां उड़ीका मदीने वाले करते सन मैं पूछा जी इतने खलो के क्यों करते सन वो कह लगे आसी साहब ये मदीना तैयबा च सब तो बुलंद जगह है इतने खलो के बड़ी दूर तक नजर आता है मैं नौजवान जब उथे खलो के इंज वेख्या ना मख्या वाह मदीने वाले खलो भी उची जगह जाते हो ते फिर भी तसली नहीं होती अड्डिया चुके ना ते पप्पा पार कुछ हो के ते माही दियां रावां उड़ीकदे हो जिन्हां नूं उड़ीक होवे ना किसे माही दी जिन्हां नूं सिख होवे किसे माही दी ओ जिन्हां दियां तांगां सच्चियां होण जिन्हां दे इंतजार होण सच्चे रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना दरवाजा हवा नाल खड़के उन्हां नूं इंज लगदा जिवें माही आया है जिन्हां दियां उड़ीकां सच्चियां होण फिर माही चल के आ जांदे मैं तुहानूं थोड़ा जिहा उड़ीक दा रंग पेश करां ऐ गुजरात जाइए ना ते उत्थे हजरत बाबा कावां वाली सरकार एडे लाहौरिया तुसीं गल दे पक्के हो ना तुहानूं जब तक कहीए ना सुभान अल्लाह बोलो तुसीं बोलदे ही नहीं मैं भी कुछ तीन चार ढोलों वाले रख लेना ना फिर तुसीं भी भंगड़े बाबा पाया करोगे रोंद ना मारो तो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह
सारे नाथ खां सारे मेरे बेली ने मेरे नाल प्यार करते हैं, मेरी उन्होंने मुहब्बत ने अल्लाह सारे इज्जत आता फरमाए। उंज मेरा हुण दिल करता वैसे कि मैं अपने सैकटरी कह दिया कि जरा महफल लैवन आए भी टाइम उन्होंने कहो कि मगरब का इशाद तकरीर करा लो फिर सारी रात जो मर्जी कर दे रहे मेरी तकरीर मगरब तो बाद करा लिया करो भाई। हूँ मैं सफर कर करके जाग जाके बुढ़ा हो गया हूँ बस करो मेरे नाली मेहरबानी भाई साल हो गए मैं मैं हूँ मगरब तक शायद तकरीर कर लिया करा तो तुम माशाल्लाह सारी रात जो दिल करे फिर तुम जिनी मर्जी नाथ खानी सुनते लिया करो तुम सुबह अल्लाह बोलो तो मैं मुड़ वापस लै चला। बाबा कामा वाली सरकार असल नाम है हजरत बाबा करमदीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह अज भी दरबार शरीफ से जाओ तो जाके उखोगे हर पास कौ नजर आवे कवे हर पास। आपने सारी जिंदगी कव्या नाल प्यार किया किसी ने अद की हजूर कोई तोता पालदा है कोई कबूतर पालदा है कोई चिड़िया पालदा है कोई मोर पालदा है एडे खूबसूरत परिंदे एक काले रंग का कव्वा इन तो कदे किसी प्यार किया नहीं तो तुम क्यों कर दे हो चलो फिर कदे सुना देवा कितनी मर्जी दे सुभान अल्लाह थोड़ा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए हाथ बिल्कुल नहीं झुकना मत किधर कोई शहीद ही ना हो जाए सुभान अल्लाह। हजरत हूद अलैहि सलाम दे दौर च नौजवान जिंदा नाम है यहूदा उन्हें हजरत हूद अलैहि सलाम के सहायक है चपड़िया कि रब का नबी आवेगा जिंदा नाम होगा हजरत यूसुफ अलैहि सलाम। अल्लाह ने हुसन के 10 हिस्से च 9 कल्ले यूसुफ को दिते ने कि अल्लाह जी मेरी इबादत कबूल है तो मैं उन्होंने उतनी देर मौत ना देवी जब तक मैं हजरत यूसुफ की जियारत ना कर लवा। अल्लाह ने फरमाया जो यूसुफ को देखना थे ओ मिस्र के किनान के करीब एक कुआं उस कुएं से जाके आराम कर तो यूसुफ आवेगा। नौजवान ने 1200 साल कुएं की इबादत की थी 1200 साल के बाद जब वाले हजरत यूसुफ पैदा आए आपके वीरां ने जब अपना रस्ते के नाल बंद के कुएं से लटका के रस्सा करे आओ हजरत यूसुफ कुएं के अंदर आए जिब्रील ने जन्नत का तख्त ले आके कुएं से बिछा दिया हजरत यूसुफ जाके कुएं के अंदर तख्त पे बैठ गए यहूदा कुएं की दीवार से निकल के तख्त पे आ गया। हजरत यूसुफ बड़े हैरान होके फरमा दे मैनू तो खूह च वीरां ने सुटिया है तू कित्थों आया है हाथ जोड़ के कहन लगा नबी अल्लाह वीरां दा गिला ना करी तेनू खूह च वीरां नहीं सुटिया तेनू खूह च मेरिया उड़ीकां लगे आईया खूह च मेरिया उड़ीकां देर हो गई कर दे इंतजार बड़े वाले आ इशादे बैठे ने
ना ते लंगर खान आया ना इतने किसी ने चेहरा वखान ना दुनियादारी लई इको ही कम आया कर दे इंतजार बड़ी देर हो गई आवी जाऊं तैयार बड़ी देर हो गई आशन साबा तेरिया रामाच हाँ खड़ा खंजुआ दिल के हार बड़ी देर हो गई खंजुआ दिल के हार बड़ी देर हो गई कर दे इंतजार बड़ी देर हो गई नौजवाना एक बारी हथियां बंद कर लो हाथ बुलंद करके अर्ज करे कमली वाले आओ साडे कोल कमली वाले आओ साडे कोल सिद्ध कबूल बकर वर्गा नहीं साडे कोल अदल उमर वर्गा नहीं साडे कोल हयार समाउन वाली नहीं साडे कोल सुजा अली वाली नहीं साडा इश्क भी बिलाल वर्गा नहीं साडी उदीक भी उवैंस वाली नहीं पर जे कदे आ जावे तेरा जांदा कुछ नहीं मेरा कम बन जांदा तेरा केड़ा मुल लगदा जे आ जावे ते तेरा केड़ा मुल लगदा सोनिया तू आ जावे मैं लगता सारी तकरीर इंतजार ते हो जानी है अम्मा हलीमा ने एक दिन हुजूर नु गोदी च लैके बैठियां ते बकरियां पहले सात सन हजूर आए थे सात सौ हो गई गोदी च लैके बैठिया ते सफेद रंग की बड़ी सोहनी जी बकरी अम्मा हलीमा दी उहदे बारे वेखे ते अम्मा हलीमा परमा दी शीमा अम्मा हलीमा की वड्डी बेटी हजरत खुजाफा नाम से शीमा प्यार ना कहंदे सन हजूर दी बाजी जी अम्मी अनीसा छोटी बेटी जी अम्मी अब्दुल्ला जी अम्मी सारे बच्चे नु इकट्ठा करके ते हुजूर नु गोदी च बिठा के ना ते इशारा करके फरमा दिया ओ ओ ओ जड़ी बकरी है ना ते मेरे मोहम्मद दी है इनु अज तो बाद कोई मारे ना इदा दूध मेरा पुत्र मोहम्मद पिया करेगा अम्मा हलीमा फरमा दिया जिस दिन लाई ना वो बकरी हुजूर दे नामे ओदे ते नखरे वेखण वाले हजूर चले जाते कदे इधर हजूर ढूंढती फिर कदे उधर हजूर ढूंढती फिर जानवर इन्ना अल्लाह के नबी का प्यार ना तो बकरी हजूर की हो गई ना जब नावे लग गए मेरे सोने दे बकरी आई ना तो नाज सी ना सोने दियां सजदा करके ना हजूर के कदम चूमन लगी अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं डर गई कितने जानवर मेरे पुत्र नु नुकसान ही ना देवे अम्मा हलीमा ए इस तरह करके ना बकरी नु थक्का मार के ते अम्मा हलीमा फरमा दिया नहीं जा नहीं नहीं जा नहीं ते आ फरमा दिया बकरी ओ उठ जाके ना ते उठ के बह गई ते जाके कहंदी है हलीमा थके ना मार तेरा ही नहीं साडा भी रसूल है तेरा ही नहीं साडा भी बड़े अजीब काम हो रहे अम्मा हलीमा फरमा दिया एक दिन मैं दीवार ना पंगोड़ा लगाया नबी पाक दा अचानक मेरी निगाह पई ते मैं वेख्या दीवार पे डिग गए फरमा दिया कलेजा कंब गया मैं दौड़ के जाके पंगूड़ा पकड़ के घसीट के इधर कीता ते दीवार सीधी हो गई ते दीवार विचो आवाज आई मैं कोई डिगन लगी सा हाँ मैं ते छां करन लगी सा बेटा बकरियां चारन जाते नबी पाक फरमान लगे फिर कल मैं भी ना बकरियां चारन जाना
महलीमा ते फड़ के सीने ना लगा के फरमा दिया तू क्यों जावे बे सोने सारा जग चारे बकरियां तू क्यों चारे हजूर ना नबूवत वाली मसूमियत ना अख च छोटे छोटे अथरू असल मामला उलमा फरमाते ने आ सी के हजूर ने जो फरमाया ना मैं बकरियां चारन जाना ते अम्मा हलीमा नु ख्याल आया तुसी टुर गए ते मेरी दिहाड़ी किवें लगनी है अम्मा हलीमा सीने लगा के थपके देख फरमा दिया नहीं नहीं सो जाओ तुसा नहीं जाना ते हजूर ना थोड़ी देर बाद अम्मा हलीमा वेखे तो नुकरे बह के फिर आंदे अम्मा से सदके ते वारी वारी जावे मथा चुमिया वे सोने तू क्यों रोवे मैं भी जाना अम्मा हलीमा तो रोंदा नहीं सी ना वेख सकती मत्था चुम के फरमा चल रो ना सोने तो तुर जावी ते रो ना ना रो ए मां नु बच्चा आखे ना सवेरे नानके जाना है या मां बच्चे नु आखे सुबह नानके जाना है ते बच्चे नु नींद नहीं आउंदी और राती उठ उठ पुछदा है फिर जाना ना अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं सोने नु कह ते बैठी सोने सुबह तुर जाया जे फरमा दिया हुण तो सारी रात उठ उठ हजूर मैनु पुछदे रहे मैं सुबह जाना ना ते सुभान अल्लाह घर जाके जरूर बोलिया जे जरा बेली हाथ नहीं ना चुकता ना तो बंदा सहारा कराओ तो हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह अम्मा फरमा दिया सवेर हो ना तो फिर मैं तैयारी कराई ना जब अख में सुरमा वाला में कंघी सोना जा लिबास बकरियां चारन जा रहे हैं अजय ढाई साल दो साल की उम्र तू बकरियां चारन अम्मा फरमा दिया मैं बड़ा तैयार करके ना हजूर नो पानी का शरबत ठंडा बनाया खाना सोना बना के शीमा नो बुला के फरमा दिया एक गल ध्यान रखी अज बकरियां चारन उधर नहीं जाना जिधर शेर आंदा है ते पानी ना भी मंगे ते थोड़ी थोड़ी देर दे बाद इनू पिलांदी रवे इनू कुछ ना कुछ खिलांदी रवे खाना ले जा हालांकि अपना पुत्र भी अब्दुल्ला भी नबी पाक दा हम उम्र है ओदे वल ध्यान ही कोई नहीं सारी तवज्जो ही हुजूर ते अच्छा एक दिन बकरियां चारन गए दो दिन गए तीन दिन गए एक दिन अम्मा हलीमा फरमा दिया अज ना खा जाओ तुसी बोले नहीं सुभान अल्लाह यार अज ना जाओ जी नहीं जाने हजूर अम्मा हलीमा ने घर रख लिया ना इंतजार दोपहर हुई थी अचानक हजरत शीमा रोंदियां धार आईया अम्मा हलीमा का कलेजा कब गया की होया अम्मा शीमा ना हजरत बीबी शीमा रो के कह दिया अम्मी को जड़ी बकरी मेरे वीर मोहम्मद दी है ना उन शेर ले गए अम्मा हलीमा रोन लग पई प्यार ही बड़ा सी ना सोने ना रोन लग पई हजूर मां नु ते रोंदे नहीं ना वेख सकदे क्योंकि ते रोंदियां मावा चुप कराण आए ने ना फरमाया अम्मा जी क्यों रोए आखे सोनिया तेरी बकरी नु शेर लै गया है हजूर फरमाते ने तुसी रोवो ना ते मैं बकरी लै आउना अम्मा हलीमा नाल ते हजूर आ गए जंगल दे किनारे अजे ढाई साल की उम्र मुबारक जारी हजूर जंगल दे किनारे खलोके फरमाते ने आ मेरे वल वेखो बिला तशबीह करया ओ जंगल दे शेरो साड़ी बकरी वापस करो इन्ना फरमाया ना ते जंगल दे शेर ते दरिंदे ते भेड़िए ते चीते आ रहे अगे अगे बुढ़ा शेर ओदे अगे अगे बकरी बकरी लिया के ना नबी पाक दे कदमा चढ़ा के ते बुढ़ा शेर कहता कमली वालिया गुस्सा ना करी बकरी नु पुछ ले मैनू पट्ठे भी पाए ने ते पानी भी पिलाया इस तरह फड़ के ना कान तो नबी पाक शेर नु ते हजूर इंज करके फरमांदे ने फिर मेरी बकरी क्यों खा के लेके गए सो ते शेर अगू बोल के कहंदा जे नाराज ना हो ते जरा तुसी भी दसो ना अज बकरियां चारण क्यों नहीं आए अज बकरियां चारण क्यों नहीं आए हजूर ने फरमाया अम्मी जी ने घर रख लिया सी ना अम्मी दा दिल नहीं सी लग रहा बड़ा शेर गोल के कहन लगा कमली वाले रोज आंदा रे छपके तेरी जीत करता रहा अज तू सुबह नजरी नहीं आया मैं ख्याल आया मैं बडेरा हो गया पता नहीं जिंदगी वफा करे या ना करे सोने सिद्धे तेन वेख्या बाजी ना मर जावा अच्छा शेर रल के सलाह की थी कमली वाले दी बकरी चुक के लाया मैं सोना बकरी लाना बेगा रज के दीद कर ला लगे उड़ीकां सचियां होना ते माही चल के आ जा नौजवानों ने आख्या कमली वालिया
मैं आपको बकरी खानी तो नहीं, मैं ते तेरी जी दा बहाना बनाया हूँ, लाहौर दी महफिल जाऊँ ना वाले हो, भाई सजा दी दा बसे आऊँ ना वाले हो, एक बारी अखियां बंद करके तुसी भी आखो कमली वाले आ, उन्हें बकरी दा बहाना बनाया तो आ गया, असीं बापल दा बहाना बना के बैठे आ कदे आ मन जो लेना सोने गुलामा दे असि भी माफ का बहाना ही तो बना के बैठे हाँ तेरी ओढ़ीखा लगा के बैठे हाँ असि भी आइए प्यार कर रहे हैं याद तेरी दाम दीवा दाल याद तेरी जिन्ने वाले अखियां बंद कर रात का वेला वेख खड़ा हो गया सोने की यादा च बैठिया बस अखियां बंद करके तेरा कमे आवाज देना फिर ओदा कमे आ जाना याद तेरी दाम दीवा याद तेरी नौजवानों की 400 साल उम्र हो गई उड़ीका मेरे नबी दिया प्या कर गए इधर मेरे नबी अपना चाचा जान दे नाल फिर वेले ऊंटनी ते बैठ के आ रहे इधर इंजील की तिलावत प्या कर जाए अचानक बाबे ने सांस लिया सांस च हवा आ गई हवा च नब्बे की खुशबू आ गई सिर चुके कहना लगता है आ गए बोलिया जे लगता नहीं लगता पे आ गए अबे मापल दी सूरत हाल दस दी नहीं के आ गए खुशबुआ मोहतर मोहम्मद फिजावा दस दियां नहीं के आ गए आ गए आ गए उन्हें तो रात इंजील बंद की दौड़ के कोठे ते चढ़ के इंज वेख्या इधर सूरज पे चढ़े ते उधर इंज लगे जिवें पहाड़ी तो सूरज पे उतरे मथे जे नूर दियां लाटां सूरज वांग की मैं बदना जश्न नूर ओदे मथे च नूर दी लाट सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह बे मुर्शिद ना ते मैं कदे बोले ही नहीं मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह उन्हें वेख्या इंज लगे जिवें पहाड़ तो सूरज पे आउंदा कहिंदा मैं वेख्या कि जदों हजूर टुरदे ने ते बदल भी टुरदे ने हजूर रुकदे ने ते बदल भी रुक जांदे ने सामने टुरे 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 आके ना ओ सामने दरख्त दे साए थले सारे कापले वाले बह गए ते हजूर जिथे बैठे ना उथे छां मुक गई छावे छावे लोग बह गए ते हजूर धुप्पे बैठन लगे ना ते ओ बहीरा राहब कहंदा मैं वेख्या कि दरख्त ने ए इंज झुक के ना ते सोने ते साया कर दिता बहीरा कहंदा लै बे तेरियां 400 साल दियां उड़ीकां मुक गईयां आ गए आ गए हुण मुकदरां ते नाज करे एडे करीब आ गए एडे करीब आ गए आके ते उन्हें सजदे च सिर रखिया ते रोई जावे के महबूब आ गए ने उन्हें ख्याल आया कि किधरे चले ना जावां ते मैं करीब होके किवें वेखां अकल ते इश्क दा मैच पै गया किवें बुलावां इश्क ने आख्या इंज कर सारे दी दावत कर सारे आउणगे ते ओ भी आउणगे टुड़िया टुड़िया बाहर आके ते काफले दे करीब खलो के पुछदा तुहाडा सरदार कौन है हजरत अबू तालिब वाले इशारा करके आख्या ए सरदार ने कहन लगा अज दोपहर दा खाना सारे दा मेरे घर है मक्की इकट्ठे होके कहन लगे खाना ते खावांगे पर ए दस सदियां गुजरदियां तू काफले गुजरदियां तू ते कसे किसे दा हाल नहीं पुछया कदे पानी नहीं पिलाया अज किवें हजूर वल वेख के कहन लगा असल च अज तुहाडे काफले दा सरदार बड़ा सोहणा है उच्चा बोलिया जो सुभान अल्लाह सरदार बड़ा सोहणा है
आज दोपहर का खाना मेरे घर हामी भर ले गई। ये बड़ा तवील वाक्य मैं तुम्हें छोटा इख्तिसार ना करके सुनावा लगा रसूल की में आंदे नौजवानों को अपने नौकरों को सारे तैयारी करो आ भी बनाओ खाना आ भी बनाओ आ भी बनाओ। ते आप कह लगा तैयारियां करो ते आ जरा मेरा खास कमरा है ना इथे दूल्हा बवेगा इथे इथे लड़ा बवेगा मेरी सारी तकरीर एक पासे ते मेरा आ जुमला एक पासे लाहौरियो दाता दी नगरी वाले हो एक लाड़े पीछे सारी बरात दे नखरे चुकने पैंदे ने यार बरात सारी आ जाए दूल्हा आवे ही ना रोटी को नहीं खवांदा लाड़ा ना जब तक आवे ते खाना नहीं दिता जांदा कोई बरातियां ते नखरे चुकदा पर एक लाड़े पीछे सारे दे नखरे चुकने पैंदे ने ओ लाड़ा ना कायनात दा ओदे दम बदले रब ने पूरी कायनात ही बना दी उन्हें आख्या के बाकियां नूं तुसीं संभालिया जे ते दूल्हे नूं मैं संभालांगा जदों होई ना दोपहर करके अल्लाह अल्लाह करके हो गई दोपहर तो उन्हें पैगाम भेजा जरा आया जे जदों हुजूर सारे टुरे ना वो दरवाजे जो हाथ बन के खलो गया एक एक करके सारे आए सारे आए सारे आए वो नहीं आए मक्कियां नूं कहन लगा कोई रहत नहीं गया उन्हें आख्या नहीं कोई नहीं कोई नहीं दौड़ के छत से जाके वेख्या ते हुजूर दरख्त दे साए थले बैठे करीब आके ना नीचे ते सारे कहन लगा कोई रह गया कोई कोई पीछे रह गया मक्की कहन लगे कि छोटा जिहा बच्चा छड़ के आए हां ओनू समा दी फादत करन वास्ते छड़े आए हां मुहीरा राव दी चीखा निकल गईयां ते रो के कहन लगा छल्लियो किन्नू निक्का पे आख दे ओ ओ पूरी कायनात च भोजना नूं ते बड्डा ही कोई पूरी कायनात रब ने ओदे नाल बड्डा बनाया ही कोई नहीं ओही ते लाड़ा सारी बरात दा पहले ओनू लियाओ हजूर दे ताया हजरत हारिस गए नबी पाक नूं उठा के लेके आए ओने नबी पाक दे हाथ जोड़े सलाम अर्ज करके अपने खास कमरे च फुल्लां दी सेज ते बिठाया मैं तो इश्क दी एक छोटी जी रमज सुनावा लगा मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जे सौ नौकर किन्ने नौकर किन्ने नचोड़ तकरीर दा जे सौ नौकर चाकर होवे खिदमत वाला अगे पर हथी खिदमत आपे करिए जे साजन हथ लगे सौ नौकर भी आने पर जब महबूब आ जाते खिदमत आप करी दिया ने और मुर्शिद आ जाते खिदमत आप करी दिया नौकर बन जाए दे नौजवान जब बेलों ने आप ले आगे खिदमत की थी सारे खाना खा के चले गए नबी पाक दे चाचा जी ने कह लगा बच्चा खाओ नहीं आपने फरमाया मेरा बेटा है कह लगा ना ना एदे ते मापे जिंदा ही कोई नहीं एदे यतीम है आपने फरमाया तेनू किवें पता चले आए ओ पापा कहन लगे पहले दसो ये बच्चा कौन है हजरत अबू तालिब फरमान लगे मेरा भतीजा है मैनू पुत्रा नाल भी प्यार आए फरमा हाँ हुन ठीक है फरमा तू इनू किवें जानना है कहन लगा जरा एक तो निशानी दसे आज फरमाया पापा पुछ की पुछना है कहन लगा इन्हां दियां अखियां सुरख क्यों नहीं ये रात सुते नहीं इन्हां दी नींद पूरी नहीं आई हजरत अबू तालिब कहन लगे नींद भी पूरी है ये थकावट भी नहीं पुछदा अखियां लाल क्यों ने फरमाया एवें ही रहंदियां मैं तो सुरख डोरे नहीं कहन लगा मेरा कन तो कपड़ा चुके आज मैं मुहरे नबुवत देखना चाहना कन तो कपड़ा चुके मुहरे नबुवत देखी के चीखा मार के रो पिया कहन लगा ए ते ओ ये हजरत अबू तालिब फरमान लगे कौन है कहन लगा आसमान ते अल्लाह ने किनिया किताबां नाजिल कीतियां ने उन्हां सारियां विच इस मुहम्मद दा जिक्र कीता हजरत
ਰਬਤਾਲੇ ਪਰਮਾਨ ਲਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਿਰਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਨਾ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਬਾਹ ਲਈ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ सोने की राज कुली पाके बैठा रहा कदमा नु पढ़ के कह लगा सोने मैं आज ही तेरा कलमा पढ़ चलिया मैं कुछ नहीं मंगदा बस इको अर्ज करना जदों कयामत दा दिहाड़ा आवे अपने आशकां दी गिनती कर विच मेरी भी गिनती कर ले नबी पाक टुरन लगे कदमा ते हाथ रखे कहंदा है अज लथा नहीं ओ अखियां दा चा तू थोड़ी देर होर ठहर जा अज लथा नहीं ओ अखियां दा चा तू थोड़ी देर होर ठहर जा ते रब पूरी कीती दिल दी दुआ तो थोड़ी देर होर ठहर